और कुछ अच्छा करने से उसको कुछ मिलता है तो क्या करता है, वही कार्य करता है, कुछ मिलेगा यार। जब स्मार घोड़े ये सब परंतु सिर्फ हमारी बुद्धि ज्यादा है क्या जानने के लिए। चलिए क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर दीजिएगा। आज पूरे विश्व में 99.99% लोग, चार चीजें बोलूंगा, इसके अलावा कुछ करते हो तो बताइएगा, खाना सोना बच्चे पैदा करना मतलब मैथुन क्रिया और बचाव करना, बचाव का मतलब डिफेंसिव बाय व्हाट, टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, वर्किंग इन अ गुड कंपनी, दे आर ऑल व्हाट, बचाव, दे आर ऑल व्हाट, प्रोटेक्शन है ना प्रभु जी, नहीं रिटायरमेंट पर्क्स, हाउ सिक्योर यू आर, तो इसको कहते हैं संस्कृत में आहार निद्रा भय मैथुनम च। अभी मजुरा में पांचवी एक्टिविटी कौन सी एक्स्ट्रा करते हैं बताइए, है जी, सोते हैं एक्स्ट्रा है, आहार निद्रा, आहार निद्रा भय मैथुनम च, नाइन पॉइंट नाइन परसेंट की बात कर रहा हूं मैं, है जी, पढ़ते हैं किस लिए, ये चार चीजों के लिए, बिजनेस करते हैं किस लिए, ये चार चीजों के लिए, कुछ भी कार्य करते हो इन चार चीजों के लिए, आजकल लोगों में आपस में ईर्ष्या बहुत ज्यादा है। नहीं बोल सकते जी, मत बोलना, वो तो जानवर से भी नीचे चले गए। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि हम जानवर से ऊपर चले जाएं, मैं तो कंपेयर कर रहा था, मैं तो चाह रहा था कि एटलीस्ट जानवर तो बने, ईर्ष्या करने वाला तो जानवर से भी नीचे गया, ईर्ष्या करने वाला तो जानवर से भी गया नीचे। प्रभुपाद कहते थे यस वी आर वर्स देन एनिमल्स, ध्यान रखिएगा ह्यूमन बीइंग बड़ा अजीब है, अगर आप ह्यूमन बीइंग के प्लेटफॉर्म पे नहीं रह पाते ना प्रभु जी, तो आप ह्यूमन नहीं रहते, आप एक्चुअली जानवर भी नहीं रहते, आप जानवर से भी नीचे चले जाते, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, सबसे नीचे चले जाते हो, क्योंकि आपने जैसे बात करी एनवियसनेस, आजकल बहुत कॉमन है ये चीज, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये छह प्रॉब्लम्स। प्रभु जी छोड़ो, इतना नीचे नहीं जाना, अपने को तो उठना है। तो क्या एक ही फर्क है, हितोपदेश में कहा गया है आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतद पशु भी नराणाम, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतद पशु भी नराणाम, पशु और नरों में एक चीज कॉमन है, क्या है वो, आहार निद्रा भय मैथुनम। उसका मतलब अगर कॉमन का, अब आपको एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस से क्या करना चाहिए, The animals cannot know the cannot try to know the purpose of life. जानवर ये जानने की कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास, मैंने एक बार कह दिया, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं, छह प्रश्न रखूंगा, ध्यान रखो सुनिएगा, ये प्रभुपाद जी की फिलोसफी पढ़कर मैंने देखा कि ये प्रभुपाद जी ने बार बार इन चीजों पर जोर दिया है, तो ये छह प्रश्न मनुष्य का उत्तर, मनुष्य को उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। पहला प्रश्न, हवाई, आप हवाई जहाज उड़ते हो देखते हो प्रभु जी, दिमाग में आता है क्या दिमाग होगा उस व्यक्ति ने जिसने हवाई जहाज उड़ा दिया है प्रभु जी, पर तो कभी एक दिमाग सोचा तो उसका दिमाग क्या होगा जिसने एक ग्रह हवा में उड़ा दिया। आप कोई बहुत इंट्रिकेट कैमरा देखते हो, बट हैव यू थॉट क्या पिक्सल बनाया उसने, कभी सोचा कि आंख किसने बनाई, आपने पंपिंग ऑर्गन सुना है, आपने हार्ट, हार्ट के बारे में जाना, ये कौन है और इसने किसलिए बनाया, ये क्वेश्चन कौन कर सकता है मनुष्य। मैंने आईआईटी में यही कह दिया था प्रभु जी, तो बताऊं क्या कहा उस लड़के ने, एक ने बोला आपको कैसे मना, कुत्ता है, कुत्ता ही क्वेश्चन नहीं करता। मैंने कहा यार तेरी बात तो सही है, फिर मैंने उससे कहा कि बंधु उत्तर नहीं प्राप्त कर सकता, बोलते हाँ ये बात आपकी सही है। ही रिटॉर्टेड, जब मैंने कहा कि सिर्फ मनुष्य ये क्वेश्चन कर सकता है, तो उसने मुझसे कहा कि आपको कैसे मना कुत्ता क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैंने कहा तेरी बात तो सही है परंतु उत्तर प्राप्त नहीं कर सकता। Can't get the answers. Who can get the answers? Truth. ये मनुष्य अपनी हायर इंटेलिजेंस से यूज कर सकता है। दूसरी चीज, एक मरा हुआ दो, एक मरा हुआ
एक बड़ा लाश पड़ी हुई है, जानवर क्या करेगा? सूंघेगा, दुखी होता है कई बार और चला जाएगा। वो जानने हमें क्या प्रश्न करना चाहिए कि एक जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या फर्क है? हाँ, एक पे जीवन है, एक पे नहीं है। ये जीवन किसके कारण है? क्या ये बैटरी की तरह जो खत्म हो जाता है, या कोई चीज है जो अंदर से निकल जाती है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है मेबी मेबी नॉट। साइंटिफिक के अंदर मेबी नॉट नहीं यूज होता, मेबी यूज होता है। जब भी साइंटिस्ट आगे बढ़ता है तो उसका मतलब कोई चीज है अंदर से जो निकल जाती है, जिसको कि एक्चुअली अगर आप देखें तो तीनों मेन मेजर स्पिरिचुअल साइंस ऑफ लाइफ, मैंने कहा था ना सॉल्व, साइंस ऑफ लाइफ एन लगाया था सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन देती है लाइफ की, तीन मुख्य किताबें कुरान बाइबल एंड वेद एक बात ही कहते हैं, आत्मा सोल एंड रूह। मैं बताया था मैंने आपको कि ये निकल जाती है, जब ये अच्छा ये निकल जाती है उसका मतलब एक्चुअली ये ही असली व्यक्ति है, जिसने शरीर छोड़ दिया आगे चला गया वो असली व्यक्ति है। अगर वो असली व्यक्ति है तो ये इसका पहले प्रश्न का जो उत्तर है जो सब कुछ बनाने वाला है उसके साथ कोई संबंध तो होगा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वो संबंध क्या है? आप संबंध जान गए तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? संबंध में कार्य, और ये जो संबंध में कार्य कर जाते हैं इसको क्या कहते हैं? ये है, ये कौन जान सकता है? आपने कभी जानने की कोशिश करी कि इन एवरी लाइफ वी हैव न्यू फादर एंड मदर, न्यू हस्बैंड, न्यू वाइफ, न्यू चिल्ड्रन, न्यू रिलेटिव्स एवरी लाइफ टाइम? हैव यू एवर थॉट, कभी सोचा? मेरी वाइफ के साथ यही हुआ था जब पहले, ये पहली बार बॉम्बे में एक हमारे महाराज हैं उनसे मिले, तो उसी टाइम की फादर की डेथ हुई थी कुछ दिन पहले, तो शी वाज डिस्टर्ब कि मैं अपने फादर को ये नहीं बोल पाई कि हाउ मच आई लव्ड हिम। यात्रा हमारी लाइफ में होता है तो ये बार बोल नहीं पाते, तो ये बोले मैं एक बार अपने फादर से बात कर सकती हूँ क्या? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? थोड़ी देर रुके, बोले कौन से फादर से बात करना चाहोगी? कौन से फादर? यस एवरी लाइफ टाइम यू हैड अ फादर, पिछले लाइफ के फादर के, उससे पिछले लाइफ के फादर के, या उससे पिछले लाइफ के फादर से। बोले तो ये समझ गई कि मैं कितना फुलिश क्वेश्चन कर रही हूं, क्योंकि जो पीछे बात हुई तो भूल गई। मतलब देखिए क्या हाइट ऑफ सेल्फिशनेस है कि जो जिनको याद नहीं है ना, पड़ गया मंडे जाते कमरे में, जो याद है उसके साथ तो बात करना चाहते हैं, उसके साथ ढूंढना चाहते हैं, परंतु जो चला गया वो योर प्रीवियस बर्थ्स, प्रभु जी यू हैव जस्ट चेंज योर क्लोज नथिंग एल्स, उनके साथ ही बात करना चाहोगे? कभी सोचा आपने कि मेरा, मैं आत्मा हूं, मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ, बनाने वाले के साथ? ये जानना अति आवश्यक है। ये आप मनुष्य जीवन में, ये स्वतंत्रता जो है, ये आपको जो हायर पोस्ट मिली है, ये पौधा है, पद है और स्पीसीज है प्रभु जी। भगवान बहुत कृपालु है, इंडिया में अब ये पागलपन आना शुरू हो गया है, पहले इतना नहीं था, बाहर तो है। क्या है? लोग वहां न्यूड बीचेस है, प्रभु नंगे घूमते हैं, बोलते हैं कि भैया कपड़े क्यों पहनने, वी शुड लिव लाइक नेचर, जैसे पैदा हुए वैसे, परंतु ठंड में कुछ पहनना पड़ता है, जब वेदर खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं घुस के रहना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं ओहो, ये तो सब यार एकदम नंगे रहना चाहता है, हिज इच्छा इज टू बी नग्न। तो कौन सी योनी है जो हर स्थिति में नग्न रहती है? पेड़, बारिश, गर्मी, सर्दी, हर स्थिति में क्या है प्रभु जी? तो हमारी डिजायर फुलफिल करिए जी, क्योंकि इस शरीर के अंदर नहीं कर सकते। ऐसे ही आप जाइए कहीं, या ग्लाइडिंग वाले इनको आदत होती है, हैंड ग्लाइडिंग करते हैं ऊपर से, बोलते हैं यार नीचे क्यों आते हैं हम, वाई कांट वी बी इन दी एयर एवरी टाइम? डिजायर फुलफिल क्या है? मंजा पेड़, सॉरी बर्ड, और उसमें फिर स्पेशल वन ईगल वल्चर, वो पड़ा है ऊपर घूम रहा है, खाने देखता रहता है और कुछ नहीं करता। वेस्ट में जाइए, पानी में घुसे रहेंगे, स्विमिंग सी के अंदर, बड़ी मुश्किल से तो निकालना पड़ता है वहां के लाइफ गार्ड्स को, निकला बाहर, नो वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ द वाटर, अबे निकाल पानी से क्यों बाहर आऊं? They want to stay, but this human form of life is not for that. You have to come out. But the fish, this is actually fulfillment of a desire.
इट इज फुलफिलमेंट ऑफ आर डिजायर। परंतु आप कहोगे फिर आत्मा ये चीज उसमें उस शरीर में क्यों जान सकती, तो सिंपल एग्जाम्पल है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। उदाहरण लेते हैं, अगर डॉक्टर गौतम जी को ही इज अ पायलट, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल दैट ही इज अ पायलट, मैं पूछता हूं डॉक्टर साहब मेरे उड़ाना आता है, बिल्कुल आता है, हर टाइप का मुझे हर टाइप उड़ाया मैंने, ठीक है, अरे वाह क्या, तो मैंने वो कहते साइकिल देता हूं उड़ाओ, अरे पागल है साइकिल कैसे उड़ाऊंगा, साइकिल इज नॉट द राइट मोड टू, इट इज नॉट द मोड ऑफ, इट मे बी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्लेन इज ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बट अ पायलट कैन नॉट फ्लाई दी बाइसाइकिल। इन द सेम वे आत्मा जब दूसरी योनि में होती है तो इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं कर सकती, उस योनियों में इस ये प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं।